पार्टी के द्वारा सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवार खड़े किए गए और लोकसभा के लिए हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्रूटनी के बाद भी हमारे सभी उम्मीदवार स्क्रूटनी में सफल हुए और 31 उम्मीदवार अब चुनाव आयोग की नज़र में हमारा जो है वैलिड उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है। आज हमने अपने सभी उम्मीदवार और वहां के डिस्ट्रिक्ट मंडल एवं मोर्चा के सभी पदाधिकारियों और स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ हमने चुनाव का आगे कैसे हम चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से हमारा चुनाव का प्रचार अभियान चलेगा उस पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। आप जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो सरकार अभी SKM की सिक्किम में चल रही है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट DR थापा साहब ने भी और हमारी पार्टी का स्टैंड रहा कि हम जो SKM गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार स्कैम हो रहा था और आज हमने उसकी आवाज़ उठाई और लगातार हम इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी यही मुद्दा होगा कि जो सिक्किम की वर्तमान सरकार SKM की सरकार है वो करप्ट सरकार है। सिक्किम के लोगों का हिस्सा, उनका हक जो है लूट करके और आज सिक्किम को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। इसलिए सिक्किम के जनता इस बात को जानती है कि ये झूठा सरकार है, ठग सरकार है और इसने आज तक भ्रष्टाचारी सरकार है स्कैम किया है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट अब रहा नहीं उसको भी बेचने का काम किया है। तो इस तरह करके जो सरकार की खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसको हम जनता तक ले जाएंगे और सिक्किम की जनता इस बार सोच चुकी है, ठान चुकी है कि SKM के भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है। सर, जो अलायंस नहीं होगा इसमें एक भ्रष्टाचार के कारण से आप लोग अलायंस नहीं किया या आप लोग का सीट शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ? देखिए, अब तो प्रक्रिया ट्रेन चल चुकी है, तो जब ट्रेन चल चुकी है तो सीधी सी बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और हम SKM के गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार और स्कैम के खिलाफ चुनाव में, चुनाव के मैदान में हैं। तो मेरा स्पष्ट है, कल जो स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट जारी हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर तक का नाम है, तो उन लोग कब आएंगे और वहाँ उन लोगों का कार्यक्रम? अभी हमारा जो स्टार प्रचारक का इशू हुआ है वो सिर्फ जो केंद्र से लोग आएंगे और यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट और कुछ लोगों का नाम है, स्टार प्रचारक 40 होंगे जिनकी सूची आ रही है और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय नेता का प्रोग्राम फर्स्ट वीक के बाद 5-6 तारीख से स्टार्ट होगा, फिर राष्ट्रीय नेता का आना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों के कई सारे विधायक ने रिजाइन दिया और उनमें से 3 विधायक को रूलिंग पार्टी से टिकट भी मिला। ये तो इलेक्शन के समय होता ही है, इलेक्शन के समय जिसको जिधर अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं उसको, अब जिसको जिधर मौका लगता है अपना भविष्य उधर वो ढूंढते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि कौन विधायक इधर रहा कौन उधर गया, कोई मतलब नहीं है। अब तो विधायक बनने के लिए चुनाव हो रहा है, अब तो उनका विधायक खत्म हो गया जो पहले थे, अब तो विधायक बनने के लिए चुनाव हो रहा है। और आपके आप लोगों का राज्यसभा सांसद तो SKM के होके अभी इलेक्शन कैंपेन करे, उनके बेटी को उम्मीदवार बनाए गए, क्या आप लोगों की पार्टी एक तरह? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए और हम लोग उनसे आज बात करेंगे। कभी कभी लोग व्यक्तिगत मोह में फंसकर इस तरह का काम करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से उनको ऊपर उठना होगा क्योंकि बेटी को MLA बना देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सांसद होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है इसको सोचना पड़ेगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का हम सांसद हैं तो सांसद को अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए। प्रदर्शन सिक्किम की जनता SKM को हटाएगी, ये सिक्किम की जनता सोच चुकी है क्योंकि ये स्कैम का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा का उपयोग
मैं चुनाव आयोग के पास भी जा रहा हूं, हम लोग डेलीगेशन लेकर के भ्रष्टाचार और स्कैम के पैसे का उपयोग, करोड़ों करोड़ रुपए का उपयोग सिक्किम के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है, इस पर चुनाव आयोग भी लोग रोक लगाए कि इस तरह का जो है गलत नहीं हो, और हम भी, हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि सिक्किम की जनता जानती है कि जो भी यहाँ पर चुनाव हो रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी ही सिक्किम को डेवलप कर सकता है, सिक्किम को आगे बढ़ा सकता है, और जो बेरोजगार है, जिसको कि रेवरी के तरह नौकरी बांटने का बेवकूफ बनाया गया है, 10,000-15,000 रुपया महीना में उनको नौकरी में रख लिया गया है, तो आप क्या करना चाहते हैं? यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, 10,000 रुपया 15,000, तो लेबर का भी आजकल जो है 400-500 रुपया रोज है, तो अगर उसको लेबर का भी पैसा आप नहीं दे करके ये बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास बजट में पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो सब लोगों को रेवरी बांट करके बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। तो कब जाएंगे ईसीआई में ये मुद्दा लेके आप? हम लोग जाएंगे 3-4 दिन बाद, जैसे पहले विड्रॉल हो, एक प्रक्रिया पहले समाप्त हो, उसके बाद, अभी तो प्रक्रिया चल रहा है नॉमिनेशन का, तो नॉमिनेशन के प्रक्रिया के बाद ही हम लोग जाएंगे। आप लोग तुमिल लिंगी का जो कैंडिडेट आपने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, वो तो लास्ट में गायब हो गए, दूसरे कैंडिडेट देना पड़ा। देखिए, ये भ्रष्टाचारी सरकार जो एसकेएम की सरकार है, इसके बहुत पाले हुए गुंडे लोग भी हैं, और हमारे उम्मीदवार को सुबह सुबह जा करके, और उसने किस तरह से प्रभावित किया ये तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सब गुंडागर्दी करेंगे। गुंडागर्दी के खिलाफ हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही तो चुनाव में आ रहे हैं, उनके गुंडागर्दी के खिलाफ आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि चुनाव के अंदर भी पैसे और मसल की ताकत का उपयोग एसकेएम की सरकार करेगी, और अगर इस तरह का काम करेगी तो ऐसे सरकार को, जो गुंडा के ताकत पर, भ्रष्टाचार के पैसे के ताकत पर सरकार में आना चाहती है, उसको चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्था से हम सबक भी सिखाने का काम करेंगे। आपने गेजिंग में जब एनके सुभाष साहब का जब नॉमिनेशन हुआ, आपने वहाँ दिया हुआ एक स्पीच अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसमें आपने बोला है चाहे गोले जीते चाहे सामने जीते, सरकार सुब्बा का होगा, आपने बोला है सुब्बा मतलब कि बीजेपी। मैंने कहा कि बीजेपी की सरकार सिक्किम में होगी, आपको 7-8 दिन में पता लग जाएगा कि मैंने किस आधार पर कहा है कि बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन सरकार बीजेपी की होगी, मैं आज भी बोल रहा हूँ। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटेड पुरस्कार, टिकट को मूल्य 200 रुपया, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बांट। कॉफी कल्चर इज ऑन द राइज एंड वी नीड वर्ल्ड क्लास बरिस्टास। That's why we at Eklavya Institute of Management are collaborating with Himalaya Cornerstone Coffee to introduce Siliguri's first barista foundation course in just 2 months. Learn coffee roasting, espresso theory, latte art, and more in a curriculum that is designed to equip you with all the skills and knowledge that you will require to excel as a barista. Learn from industry professionals and become certified. Whether you are a coffee enthusiast or looking to build a career in the world of coffee, join the Become a Barista course today. Call and WhatsApp us here to sign up now.